नमस्ते दोस्तों, ड्यू डिलीजेंस जिसे गूगल बाबा यथोचित परिश्रम कहते हैं, क्या कहते हैं? यथोचित परिश्रम एक बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। आज हम बात करेंगे ड्यू डिलीजेंस के बारे में। अगर ड्यू डिलीजेंस अपने समझना चाहे तो कोई भी ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन? पेंडिंग ट्रांजेक्शन, कोई भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन का रिस्क असेसमेंट अगर हम करते हैं तो उसे ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट। तो पेंडिंग ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग समझते हैं कि क्यों ड्यू डिलीजेंस करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी है। ड्यू डिलीजेंस को और अच्छी तरह से और सरलता से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसे बैकग्राउंड चेक या केयरफुली चेकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकग्राउंड चेक या केयरफुली चेकिंग। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं। मेरे पास 100 से ज्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है और हम आज बात कर रहे हैं ड्यू डिलीजेंस का। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमको एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए, चलिए अभी दे देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अभी भी अरेंज मैरिज होते हैं, मतलब जहां लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह के पहले नहीं जानते और लड़का और लड़की के परिवार निर्धारित करता है कि किससे हमको विवाह करना है। जब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक लड़की के पिता एक लड़के को देख के आए और उससे अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चित किया, लेकिन उसके पहले वो क्या करते हैं? ड्यू डिलीजेंस करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, केयरफुली चेकिंग करते हैं। जैसे उसके लड़के के ऑफिस जाते हैं या लड़के के पड़ोसी या उसके बंधु बांधव तक पहुंच जाते हैं कि भाई लड़का ठीक है ना, करते हैं क्या नहीं? व्हाट्सएप पे सीवी फॉरवर्ड करते हैं, पता करते हैं, भाई इसके बारे में कुछ पता चले तो जरूर बताना, सही है, बेटी जो देना है। इस एग्जाम्पल का मेरा बोलने का यह तात्पर्य है कि एंटरप्रेन्योर, आप जो एक बिजनेसमैन है, आपके जो बिजनेस है वो आपकी बेटी है और आप क्या है? पिता। तो हर एक जो डिसीजन आप बिजनेस में लेते हैं उसका ड्यू डिलीजेंस जरूर करिए। अगर आप किसी को माल दे रहे हैं, किसी को सेल कर रहे हैं, तो उसका कुंडली जरूर निकालिए, उसके बारे में सब कुछ पता करिए, कहीं आपका पैसा चोट नहीं हो जाए। आप कोई जमीन ले रहे हैं तो जमीन के पेपर्स, कागजात सब देखिए। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि एक बिजनेसमैन जब एक कोई भी पर्टिकुलर ड्यू डिलीजेंस करके स्टेप लेता है, किसका? कोई भी ट्रांजैक्शन का। कौन सा ट्रांजैक्शन? पेंडिंग ट्रांजैक्शन। उसका क्या करता है? रिस्क असेसमेंट, बैकग्राउंड चेक, केयरफुली चेकिंग। जब वो ड्यू डिलीजेंस करके आगे बढ़ता है तो उसको क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला कॉन्फिडेंस, मतलब हमको पता है हम किसको सामान दे रहे हैं, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, मेरे को पता है मैं क्या करने वाला हूं, क्यों? उसका मैंने बैकग्राउंड चेक किया, तो मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। दूसरा, ट्रस्ट। समझ लीजिए कि कोई कारणवश सामने वाले ने कुछ अपने कमिटमेंट में डिले कर दिया, आप घबराएंगे नहीं क्योंकि आप ड्यू डिलीजेंस कर चुके हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, आपने उसका बैकग्राउंड चेक कर चुका है, हाँ ठीक है थोड़ा डिले हुआ है, सही हो जाएगा। तो आप में क्या रहता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जब बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कोई ट्रांजेक्शन के पहले। थर्ड, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये चारों को जब हम जान लेते हैं एक ट्रांजेक्शन का सक्सेस रेशियो बहुत हाई हो जाता है। चौथा है बार्गेनिंग पावर, आपका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, आपको पता है सामने वाला कहां तक जा सकता है। दोस्तों, बार्गेनिंग पावर के लिए मेरा नेगोशिएशंस वाला वीडियो, डील वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कैसे आपको नेगोशिएशंस करना चाहिए। अगर ड्यू डिलीजेंस करके हम नेगोशिएशन करते हैं तो हमारा डील हमारे फेवर में होने का चांसेस और बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटेरियल इंफॉर्मेशन, आपके पास तरह तरह के इंफॉर्मेशन रहते हैं, आपको ये भी पता रहता है कि वो ये सामान अगर खरीद रहा है तो उसके साथ और क्या खरीदता है,
आपको और भी अपने वेंडर्स के बारे में सब पता रहता है, आप जो माल ले रहे हैं, जिससे सामान ले रहे हैं उसको कितना दिन के लिए क्रेडिट मांग सकते हैं ये भी आपको पता रहता है, अगर आप सही से बैकग्राउंड चेक और केयरफुली चेकिंग किए और रिस्क असेसमेंट किए, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। तो दोस्तों आज आपको इन सारे पॉइंट्स का बताने का यही तात्पर्य है कि आप अपने बिजनेस में हमेशा चौकन्ने रहिए। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों के पहले ड्यू डिलीजेंस जरूर करता है, उसके लिए चेकलिस्ट जरूर बनाता है। चेकलिस्ट निर्भर करता है कि आपका बिजनेस में रिस्क एपेटाइट कितना है और आप बिजनेस में कौन, आपका बिजनेस का क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों चेकलिस्ट बनाइए, हर एक ट्रांजैक्शन के पहले ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिए। सो मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा, अब वो पैसा नहीं दे रहे, तब आप क्या करते हैं, सोर्स लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, चलो सोर्स लगाते हैं, उससे पैसा, उसके जानकार वाले को फोन करते हैं या वो और कोई व्यापारी से जिससे डील करता है उसको बोलते हैं, भैया मेरा पैसा अटक गया, ये कर इसे निकला दो, करते हैं ना। तो ये काम पहले क्यों ना करें जिसे हम ड्यू डिलीजेंस करते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए, क्या ड्यू डिलीजेंस किए बिना कोई भी ट्रांजैक्शन मत करिए, है ना। आप से करेंगे ना, चेकलिस्ट बनाइए फिर ड्यू डिलीजेंस कीजिए, भले ही उसमें थोड़ी लेट हो लेकिन सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। अभी तक अगर आपके 10 में से 6 बिजनेस डिसीजन सही होते हैं, अब वो 8 डिसीजन सही हो जाएंगे, धीरे धीरे वो 100 भी हो जाएगा। आपके कंट्रोल में जितना चीज है उसको आप सही करने का कोशिश कीजिए। अनफोर्सिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप कवर नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे जरूर लिखिए, अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो भी लिखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, अपने बंधु साथी बिजनेसमैन के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें। तब समय आ गया है अलविदा लेने का, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।